हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्यूटीफुल ऑफ शोल्डर ब्लाउज, जो बहुत आसान है बनाना। प्लस इस लहंगे के साथ अगर आप कैरी करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। वीडियो शुरू से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लें। इसे बनाने के लिए आपको ज़रूरत होगी आधा मीटर सैटन कपड़े की। मैंने सैटन मटीरियल इस्तेमाल किया है, बट आप रेयन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप कपड़े को एक साइड से फोल्ड कर लें। आप को सिर्फ एक ही बार फोल्ड करना होगा एंड उतना फोल्ड कीजिए जितना आपका बॉडी मेजरमेंट है, या कमीज प्लेस करने के बाद एक या दो इंच का गैप आएगा। तो यहाँ मैंने इसे प्लेस कर लिया है। कमीज को फोल्ड करते हुए आस्तीन को भी मोड़ लिया है एंड एक इंच का गैप देते हुए आप मार्किंग कर लो। जहाँ पर हमारा आर्म होल है हमें सिर्फ आधा आर्म होल लेना होगा, पूरा ऊपर तक मार्किंग नहीं करनी होगी। तो यहाँ आप देखेंगे मेरी मार्किंग, तो मैंने सिर्फ आधा आर्म होल लिया है एंड वहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। इसकी लंबाई मैंने रखा है 15 इंच की हमारे ब्लाउज की। अब इन्हें मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद ये जो कटिंग हुई है इसे ओपन करने के बाद ये इस तरीके का दिखेगा। एंड ये है हमारे फ्रंट की कटिंग। बैक की कटिंग के लिए हम सबसे पहले अगेन कपड़े को स्प्रेड करके एक साइड से फोल्ड कर लेंगे हाफ में। एक तरफ से फोल्ड करने के बाद जो हमने ऑलरेडी कट किया है उसे हाफ में फोल्ड करेंगे एंड जहां पर फोल्डेड साइड है वहां पर 1.5 इंच का गैप देते हुए प्लेस करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसे रख लिया है एंड फोल्डेड साइड पे जहां पर कपड़ा मोड़ा हुआ है वहां पर 1.5 इंच का हमने गैप रखा है। इस तरीके से हमें गैप रखना होगा क्योंकि पीछे की तरफ हमें बटन एंड बटन होल बनाना होगा। तो यहाँ पर हमने गैप रख लिया है। अब ये सारी मार्किंग को मैं कट कर लूँगी। तो इसे भी हमने कट कर लिया है। मार्किंग करने के बाद आप इसे सिंपली कट कर लें। कट करने के बाद जब आप खोलेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। अब जो इसका बीच का भाग है वहाँ पर आप सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद इसे आप कट कर लें। कट करने के बाद जैसे कि हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो सबसे पहले आधा इंच मोड़ेंगे एंड देन 1 इंच मोड़ेंगे एंड किनारे पर सिलाई दे देंगे। ऐसे ही हमें दोनों तरफ करना होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने 1.5 इंच मोड़ लिया है एंड किनारे पर सिलाई दे दूँगी। सेंटर का सिलने के बाद आप यहाँ पर कोई भी हुक लगा लें या बटन लगा लें। अब इसके बाद हम जो आगे का कपड़ा है इसे इसके ऊपर रख लेंगे प्लस साइड सी लेंगे। साइड सीने के बाद नीचे की किनारी और आर्म होल की जो हमारी किनारी है उसे भी हम सिलाई दे देंगे। सिलाई देने के बाद हमें ऊपर की तरफ एक पट्टी लगाना होगा। पट्टी की चौड़ाई यहाँ पर जो इमेज है इस तरीके से आप देख लें एंड इससे 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है। अब इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने रखा है 4 इंच की। इसे हाफ में फोल्ड कर लूँगी एंड किनारे से सिलाई दे दूँगी। हमें ये स्टेप कपड़े के उल्टा तरफ करना होगा। किनारे से सिलाई देने के बाद आपको इस तरीके से फ्लिप कर लेना होगा। यहाँ पर मैं हाथों की मदद से कर रही हूँ, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं इसे फ्लिप कर लूँगी। काफ़ी आसानी से फ्लिप करना क्योंकि इसकी चौड़ाई हमने काफी ज्यादा रखा था, इसीलिए इस तरीके से फ्लिप करने के बाद आप अच्छे से आयन कर ले एंड बीच की जो सिलाई है उसे आप सेंटर में रखिए पीछे तरफ, ताकि आगे की तरफ या नीचे की तरफ विजिबल ना हो। तो यहाँ पर मैंने मोड़ लिया है, बीच की सिलाई है पीछे की ओर एंड इस तरीके से हमारी पट्टी दिखेगी। पट्टी के किनारों को सबसे पहले मोड़ लें। किनारों को मोड़ने के बाद जो पट्टी का बीच का भाग है वहाँ पर एक मार्किंग दे दें एंड जो हमारे कपड़े का बीच का भाग है, आगे के बीच का भाग है, उस पर एक मार्क दे दें एंड देन इसके ऊपर से लगाना शुरू करना होगा। तो सबसे पहले सेंटर में लगाएंगे, सेंटर पर लगाने के बाद फिर किनारी पे सबसे पहले लगाएंगे। एंड पार्ट से लगाते हुए आएंगे यहाँ तक एंड वहाँ के भी एंड पार्ट से लगाते हुए आर्म होल तक लगाएंगे। इससे ये होगा कि जो भी हमारा एक्सेस फैब्रिक होगा वो हमारे आर्म होल की तरफ जाएगा। तो इसी तरीके से हमें सिलाई देनी होगी। यहाँ पर हमने सिलाई दे दिया है, एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे आर्म होल की तरफ से पे आया है। सिलाई देने के बाद हम इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे जैसे इस ब्लाउज को पहनना चाहिए एंड देन आप पीछे की तरफ कोई भी हुक लगा लें या पर्ल लगा लें, कोई भी बटन लगा लें एंड हमारा ये ऑफ शोल्डर ब्लाउज तैयार हो चुका है। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान था। प्लस इसके साथ मैंने इसका लहंगे की भी वीडियो आपके साथ शेयर की हूँ। आगे की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसका लहंगा भी, जो बहुत ही ईजी है बनाना।
सो ये रहा इस ड्रेस का फाइनल लुक। आई रियली होप आपको पसंद आए। आप इस तरीके से लहंगा एंड ऑफ शोल्डर ब्लाउज किसी भी फैमिली फंक्शन में कैरी कर सकते हैं। मैं लहंगे की वीडियो जल्द ही आपके साथ शेयर करूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।